इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वहकार.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यवसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोधर नुमक, इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बोधी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी, आप सभी दर्शकों को चाय पर चर्चा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यश जी, आप आरंभ करें, क्या है प्रदेश के प्रमुख अखबारों की खबरें? तो सबसे पहले हम पत्रिका अखबार की खबरें पढ़ेंगे, क्या मुख्य खबरें है। पत्रिका अखबार में सबसे मुख्य खबर है, माँ बाप को गोली मारकर हत्या करने वाले बेटे को फांसी की सजा। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन योजना लागू, नई का विकल्प भी खुला। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत, बचाने में अन्य दो झुलसे। उसके बाद हम दैनिक भास्कर अखबार की खबरें पढ़ेंगे। दैनिक भास्कर में कहा है कि रोहित विराट द्रविड़ ने कहा रायपुर में और मैच होने चाहिए, शास्त्री ने बताया मेलबोर्न जैसा है स्टेडियम। देश में भारतीयों की रफ्तार बढ़ रही है, अमेरिका में जॉब गंवा रहे हैं भारतीय। इसके बाद हम लेंगे हरिभूमि अखबार। हरिभूमि अखबार में जो मुख्य हेडलाइन दी गई है, आरक्षण पर राज्यपाल बोली मार्च तक इंतजार करिए। मुख्यमंत्री ने कहा इंतजार क्यों, क्या मुहूर्त देख रहे हैं। रावमल जैन दंपत्ति हत्याकांड में बेटे को दो बार सजाए मौत। उसके बाद एक और खबर है हरिभूमि में, राज्यपाल के खिलाफ याचिका, राज्य शासन को भी बनाया पक्षकार। इसके बाद हम लेंगे नवभारत अखबार। नवभारत अखबार में जो मुख्य खबरें प्रसारित है, माता पिता के हत्यारे संदीप जैन को फांसी की सजा। बेजान ठूट में जीवन के दर्शन कराता है राजकुमार। और भूपेश बघेल जी का एक और बयान है, डबल इंजन सरकार की नाकामियां गिनाते गिनाते भूपेश ने उधेड़ी परते। तो सतीश जी, आज हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे। नवभारत अखबार में सबसे मेन खबर है माता पिता के हत्यारे संदीप जैन को फांसी की सजा। यश जी, ये दुर्ग जिले की घटना थी और ये बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें एक रावलमल जैन जी है जो अन्नपुरा में एक जैन मंदिर है, उसके ट्रस्टी थे और संस्थापक थे और ट्रस्टी थे, और वो उनके उनके पुत्र ने हत्या कर दी। और ये घटना जब हुई थी तो किसी को यकीन नहीं होता कि रावलमल जैन के पुत्र ने उनकी हत्या की, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पेशे से पत्रकार भी रहे रावलमल जी, और चूंकि एक ही बेटा था उनका। और यहाँ पर जब घटना घटित हुई तो मतलब पूरे प्लानिंग के साथ रावलमल के बेटे ने उनको गोली से उड़ाया और पिस्तौल मंगाया और सारे मतलब एक प्लान के तहत उन्होंने इसको किया। और जिस प्रकार जो फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया है, उसकी भरपूर तारीफ हो रही है कि हाँ, एकदम बेहतरीन फैसला है कि दोषी को सजा मिल रही है, वो भी डबल डबल फांसी की सजा। जी, तो आपको क्या लगता है जी कि क्यों ऐसा होता है? जी देखिए, ये एक मैं कहूंगा कि मानसिक विकार ही कहूंगा कि 1 जनवरी 2018 6:30 बजे एक बेटे ने दिन दहाड़े माँ बाप को गोली मारकर हत्या कर दी, और ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और ये समाज में ऐसी अपराधों की संख्या देखी जाए तो दिन ब दिन माँ बाप के ऊपर अन्याय, अत्याचार, चाहे ये तो काफी मतलब मैं कहूंगा कि सक्षम थे और सब कुछ था इनके पास, उसके बाद भी ये एक औते बेटे थे और उन्होंने ये रास्ता अपनाया जिसके पीछे मैं कहीं ना कहीं आपको बताया। रावलमल जैन मतलब उनकी उनका जो परिवार है और ये इकलौते बेटे थे और पैसे से धन संपन्न से संपन्न थे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई उनको मतलब कोई कष्ट नहीं था लगता। तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करते तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मैं एक जो उसमें जो एंगल निकला कि ये कवि थे। जी जी हाँ, कवि थे और ये कविता का इनको कविता में रुचि थी, मगर इनके कुछ कुछ ऐसे जो शौक थे जो मैं समझता हूँ कि असामाजिक गतिविधियां थी उन शौकों में, और ऐसी चीजों में लिप्त थे ये, कि जिसकी वजह से इनको घर से काफी ज्यादा दबाव था कि ये सारी चीजों में वो ना रहे। जी, मगर
ये सब देखते हुए भी वो सब उसमें लिप्त थे, शायद माँ बाप का ज्यादा दबाव था इनके ऊपर, और चूंकि ये इनको हर चीज शायद पूछ के करनी पड़ती थी, जैसे हाँ, ये पेपर ये आए थे बहुत मीडिया में सुर्खियों में थे, ये 2018 का मामला था और ये जनवरी 1 का मामला था, मतलब उस दिन साल का नया पहला दिन था, न्यू ईयर था, और बहुत दुखद घटना घटी है। और कहीं ना कहीं मैं इसके लिए कहूंगा आपको कि जो लगाम लगाने की कोशिश की गई थी हाँ, मतलब से हुआ ये बंदिश जो बच्चों पर बंदिश हम करते हैं, तो वो बंदिश पे माँ पिताजी को ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी खबर है आरक्षण पर, क्या मार्च में कोई मुहूर्त निकला है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान है, चूंकि अनुसूया उइके ने कहा है कि मार्च में इसके ऊपर विचार करके हस्ताक्षर किया जाएगा, राज्यपाल मैडम ने कहा है, तो उसके ऊपर भूपेश बघेल जी ने कटाक्ष देते हुए ऐसा कहा है कि क्या मुहूर्त निकालेगी, मुहूर्त निकला हुआ है? चूंकि ये जो मामला आरक्षण का मामला, जब भानुप्रतापपुर विधानसभा आरंभ हुआ था तो आपने देखा होगा तब से यह आरक्षण का मुद्दा सर्व आदिवासी समाज ने जिसको उठाया था, उसके बाद आनन फानन में राज्य सरकार को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पास करना पड़ा। तब लेकिन जब बिल पास हो गया, विधेयक पारित हो गया सदन से, तो लास्ट जो हस्ताक्षर होते हैं राज्यपाल के होते हैं, लेकिन अब तक राज्यपाल महोदय के द्वारा अभी तक उस पर विधेयक पे साइन नहीं होना, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दो पार्टी अलग अलग है, उसका नतीजा है कि अभी तक राज्यपाल, और जिस प्रकार कल राज्यपाल मैडम ने कहा कि मार्च तक, तो भूपेश बघेल का जो उनका कटाक्ष किए हैं, क्या क्या मुहूर्त निकलेगा क्या, तो ये सही भी बात है कि क्यों मार्च में क्यों। और उन्होंने एक और चीज कही कि बस्तर में जो हिंसा फैल रही है, भाजपा का ये षड्यंत्र है कि जो ये आरक्षण भी रोका जा रहा है तो लोगों के मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब अब आरक्षण को लेकर वहां का हिंसा फैल रही, ये तो कहना गलत मैं मानूंगा, क्योंकि आरक्षण एक अलग मुद्दा है और वहां का जिस प्रकार के धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति है, मारपीट हो रही, गांव से निकाल दिया रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर आरक्षण को लेकर इसको बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से। जी, तो अब ये देखना होगा कि क्या हस्ताक्षर मार्च में हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, और जिस प्रकार कांग्रेस ने बार बार आरोप लगा दिया आरक्षण पर कि मतलब बीजेपी की शह पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के शह पर राज्यपाल सिग्नेचर नहीं कर रही, ये आरोप लग रहे हैं। अब अगली खबर हम पत्रिका अखबार से लेंगे, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन योजना लागू, नई का भी विकल्प खुला। जी, ये जो पुरानी पेंशन योजना थी इसको लागू कर दिया गया, लेकिन नए का विकल्प भी राज्य सरकार बता रही है, दो प्रकार की यहाँ योजनाएं चलेगी, पुराने जिसमें अभी अगर केंद्र सरकार कोई नई योजना लाती है पेंशन से तो उसका भी फायदा कर्मचारी उठा पाएंगे। अब अगली खबर है दैनिक भास्कर अखबार से कि रोहित विराट द्रविड़ ने कहा रायपुर में और मैच होने चाहिए, शास्त्री ने बताया मेलबोर्न जैसा स्टेडियम, तो मैं इसमें बताऊंगा सतीश जी आपको कि चूंकि ये बड़े दिग्गज प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ चूंकि कोच भी है और पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं और आला दर्जे के प्लेयर है, चूंकि इन्होंने 21 जनवरी को यहाँ मैच हुआ था और दर्शकों को पहली बार एक ओडीआई देखने को मिला, इंटरनेशनल मैच देखने को मिला, वो भी भारत और न्यूजीलैंड का, इसमें भारत ने जीत हासिल की, तो ये अपने आप में एक रायपुर के स्टेडियम को लकी कहा जाए तो भी वनडे यहाँ पर खेला गया और जीते भी है तो। और इसके ऊपर रवि शास्त्री जो है वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने और जो कोच भी रह चुके हैं उन्होंने भी एक बयान दिया कि मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया का MCG जिसको कहा जाता है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो उसके जैसा है ये स्टेडियम, तो अगर आप उन दोनों की फोटो देखेंगे ऊपर से, खैर ऊपर से तो सभी स्टेडियम एक जैसे ही दिखते हैं, मगर आप अगर बारीकियों को देखेंगे तो समान भाव आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन नियर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो छत्तीसगढ़ का जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, ये PWD के अंदर PWD इसको देखरेख करता है, तो अगर PWD देखरेख करता है तो क्रिकेट BCCI, तो BCCI
किस प्रकार उसमें दखल देगा? बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो ये है, सीएससीएस छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, ये एक बॉडी है, और चूंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होकर कभी भी बीसीसीआई, चूंकि बीसीसीआई एक स्वतंत्र बॉडी है, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जिसको बीसीसीआई कहा जाता है, तो वो डायरेक्ट संघ, उस संघ से बात करती है, चूंकि संघ केवल इस ग्राउंड का, मैं दर्शकों को बता दूं, जो शहीद वीर नारायण स्टेडियम है उसकी देखरेख का केवल दो चीजों का, जो ग्राउंड है और जो पिच जिसको विकेट बोला जाता है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी केवल सीएससीएस करती है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ। तो बाकी ग्राउंड की पार्किंग, ग्राउंड की व्यवस्था, ग्राउंड में क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका पूरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा उस चीजों की ध्यान। ऐसे स्थिति में तो भविष्य में अगर कोई मैच हो रहा है, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग को अगर अनफिट अगर बोलता है उस स्टेडियम को, तो नेशनल टूर्नामेंट हो नहीं सकता। सबसे पहली बात, इसको अगर बीसीसीआई को कोई भी यहाँ टूर्नामेंट कराना है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, तो बीसीसीआई ये चाहेगा कि सीएससीएस के अधीन हो ये ग्राउंड, और ये ग्राउंड सीएससीएस के अधीन तभी हो सकता है जब वो ग्राउंड उसको स्टेट गवर्नमेंट या तो दे दे या तो वो लीज पे ले। तो अभी जो जानकारी मिली है हमें कि लीज पे लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ग्राउंड को, इसके बाद जब लीज पे ग्राउंड ले लिया जाएगा उसके बाद ही बीसीसीआई कोई भी एंटरटेन करेगी सीएससीएस को, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस होने की भी संभावना है, मगर वो बीसीसीआई कब उसमें डालेगा, जब आप वो ग्राउंड लीज पे लेंगे, वो सीएससीएस के अंतर्गत ग्राउंड होगा तभी मिलेगा ये ग्राउंड। तो अधिग्रहण पहले जरूरी है, उसके बाद ही फुल फ्लेज सारे मैच होंगे, और बच्चों को, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। सती जी, आपने एक और चीज देखी होगी, मैच चूंकि 21 जनवरी को था, 3 दिन पहले पेपर में भी आया था, तमाम मीडिया सोशल मीडिया में वायरल थी फोटोज, चेयर की हालत टूटी फूटी थी और ग्राउंड में पानी भरा हुआ था, तो उन कंडीशंस में मैच होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल का मैच है और इसके पैरामीटर मापदंड होते हैं जिसको जिसका पालन बीसीसीआई के द्वारा करवाना पड़ता है, सीएससीएस को करना पड़ता है, तब जाके एक स्टैंडर्ड सेट है कि ये होना ही चाहिए, पैरामीटर है, तो आपको सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं, तब जाके आपको मैच यहाँ पे होने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन एक चीज छत्तीसगढ़ सरकार का हम इसमें तारीफ करेंगे, लगातार भूपेश सरकार आने के बाद लगातार आपने देखा होगा, मैं मतलब ये व्यक्ति विशेष की मैं बात करूंगा, भूपेश बघेल जी की, कि उनके कार्यकाल में मैच इंटरनेशनल मैच देखने को मिला जी, अब इंटरनेशनल मैच भी देखने को मिला। अब इसमें दो चीजें सतीश जी, पहली चीज तो ये, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ जब बना, क्योंकि योगेश शाह जी आए थे यहाँ, हमने उनका इंटरव्यू लिया, वो पहले मतलब वाइस सेक्रेटरी थे और उनसे बात हुई थी, तो वो बताया उन्होंने कि कैसे मान्यता प्राप्त करने में उनको तकलीफें हुई, दिक्कतें हुई, तो जब उन्होंने मान्यता की प्रक्रिया शुरू की, और चूंकि आज हम 2023 में है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कालखंड बीता है, उसके बाद सारी चीजें हुई है। जी हाँ, अगर मैं एक आप जो, आपने जो बात बोली वो सही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने के बाद ये सारी तमाम चीजें देखने को मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है, तो बघेल जी कुछ इसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे, जिसके द्वारा यहाँ का क्रिकेट डेवलप हो और आने वाले समय में ज्यादा बच्चों को मतलब मौका मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी आप अगर देश में, अगर जैसा आप दिल्ली या बॉम्बे जाएंगे, तो अगर छत्तीसगढ़ से आए तो एक थोड़ा मतलब देखने का उनका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में हर जगह नक्सली है जी, ये धारणा बनी है लोगों की जो बाहर के लोग हैं। एक और धारणा है कि छत्तीसगढ़ को लोगों को अब पता नहीं, शिक्षा का अभाव है बाहर लोगों को या ज्ञान का अभाव है, छत्तीसगढ़ को चंडीगढ़ बोलते हैं लोग, मतलब वो बोलचाल में, तो बोल चूंकि अब चूंकि अब इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ चूंकि भिलाई जो है, छत्तीसगढ़ का भिलाई जो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो लेकिन अधिकांश में हमने देखा जब दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली प्रदेश जी, तो ये छाप हटना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि हम लोग नक्सलियों में ही होंगे, आजू बाजू नक्सली होंगे, तो ये जैसा आपने देखा होगा
जब पंजाब की बात होती थी तो आतंकवादी अगर कोई सरदार दिख जाता था तो चूंकि उस समय आतंकवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो उस वैसी स्थिति अभी छत्तीसगढ़ की धीरे धीरे जिस प्रकार लगातार मैचेस हो रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं और जो इंटरनेट का दौर है उसके वजह से लोग और करीब आ गए तो लोगों को जानने के लिए बहुत सारी चीजें मिली है। सतीश जी अब हम एक ब्रेक लेंगे, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। लुकिंग फॉर अ रिलायबल ऑनलाइन शॉपिंग साइट? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में, मेरे साथ सतीश बौद्ध जी है। सतीश जी अब हम हरिभूमि अखबार की खबर लेंगे, इसमें ये साफ साफ कहा गया है संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग भाजपा के इशारे पर रुका, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जैसा हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि एक बयान दिया कि भाई मार्च में क्या कोई मुहूर्त निकला है क्या। जी आपको बताया कि ये आरक्षण मुद्दा लगातार गर्माते जा रहा है, हरिभूमि अखबार ने भी ये उठाया है, अपनी फ्रंट खबर बनाई है। और आपको बताया कि राज्यपाल के खिलाफ याचिका दर्ज की गई है, ये शायद पहला मौका है कि किसी राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल होती है और जिसमें राज्य शासन को भी पक्षकार बनाया गया है। तो ये जो आरक्षण का मुद्दा है लगातार गर्माते जा रहा है, अगर जल्द से जल्द इसका निराकरण, चूंकि ये राज्यपाल के हाथ में है और जिस प्रकार लगातार कांग्रेस कह रही है कि संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग कर रही राज्यपाल, तो ये इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अगर जो आरक्षण का, चूंकि सामने चुनाव है और दोनों पार्टी ये चाहेगी कि उनके कारण हुआ या उनको श्रेय, नहीं उनको श्रेय लेने की राजनीति करना है, या कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्ना दल हो, तो अगर चुनाव के जस्ट पहले अगर राज्यपाल अगर हस्ताक्षर करती है, मार्च में तो उन्होंने कह दिया मार्च के कुछ दो ढाई महीने तीन महीने चार महीने बाद आप देखेंगे कि चुनाव का पूरा माहौल दिखने लगेगा, अगर उस वक्त बस सिग्नेचर करती है तो बीजेपी के खाते में ये चीज जाएगी कि आरक्षण बीजेपी ने करवाया है जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नहीं करा पाए, तो ये केवल श्रेय लेने की राजनीति है और इसीलिए ये धीरे धीरे विलंब। इसमें आपका क्या कहना है सतीश जी कि मान लीजिए
एक तरफ से भाजपा रोक रही है, मतलब जैसे राज्यपाल के ऊपर नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता को है, चूंकि एससी एसटी ओबीसी अन्य वर्ग जो है। नहीं, तो मेरा यही सवाल है, चूंकि कांग्रेस चाह रही है हो जाए, भाजपा करने नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं दोनों की मंशा यही है कि श्रेय की राजनीति आप अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी है। नहीं, ये चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आरक्षण का मुद्दा बड़ा है। कभी भी अभी तक हमने जितने भी चुनाव के जो घोषणा पत्र देखे उसमें आरक्षण का मुद्दा कहीं नहीं रहा है, विकास का मुद्दा रहा है और अन्य बातें रही है तो। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे कोई भी नहीं, चूंकि श्रेय लेने दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, हम जितनी भी पार्टियां हैं तो आरक्षण पे केवल चर्चा करती है, है ना, और श्रेय लेने के लिए हर कोई तैयार रहता है कि हमको इसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार आनंद फानंद ने, राज्य के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार ने विधेयक बुला, मतलब विधेयक पारित किया था विशेष सत्र बुला के, तो उस समय तत्काल राज्यपाल को भी सिग्नेचर, चूंकि राज्यपाल ने स्वागत किया था इस विधेयक का कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन अब क्या उनका कारण है, क्या उनको दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है जिसके कारण वो सिग्नेचर नहीं कर रहे, और कल उन्होंने कह दिया कि मास तक इंतजार करी, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और ये जो हमारे संविधान के जानकार है या हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, इस पे वो सवालिया, मतलब निशान खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों जी। तो यश जी, चूंकि समय हो चुका है चाय पे चर्चा खत्म करने का, तो सभी दर्शक आप बने रहे, कल आपसे फिर 7:30 बजे चाय पे चर्चा पे यश जी के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।